वो देखिए फूल बरसा रहा है हेलीकॉप्टर। क्या लगता है रिकॉर्ड तोड़ देंगे आप? बिल्कुल बनेगा, हर बार बनता है, जितनी बार उन्होंने बनाया। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपको लेकर आया हूँ राम की पैड़ी के पास अयोध्या दीपोत्सव 2022 दिखाने। तो आज छोटी दिवाली का दिन है और यहाँ पे किस तरीके से अयोध्या दीपोत्सव मनाया जाता है वो सब कुछ मैं आपको इस सीक्वेंस वाइज इस वीडियो में दिखाऊंगा, इसलिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें अगर आपने नहीं किया तो। आगे पढ़ सकते हैं दिव्य दीपोत्सव 23 अक्टूबर 2022 अलौकिक अयोध्या और असंख्य दीपों से जगमगाएगी रामनगरी अयोध्या। रामायण पर आधारित शोभा यात्रा भी होगी, म्यूजिकल लेजर शो भी होगा, ग्रीन म्यूजिकल आतिशबाजी भी होगी यहाँ पे, और विभिन्न स्थलों पर राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय रामलीलाओं का मंचन भी होगा। सब तक कितने ज़्यादा लोग यहाँ पे आए हैं शोभा यात्रा के लिए? स्वागत हम लता मंगेशकर चौक के पास में हैं और देख सकते हैं यहाँ पे दिए लगाने शुरू कर दिए हैं और ये सारा का सारा राम की पैड़ी और यहाँ पे दोनों तरफ आपको दिए दिख जाएंगे। 16-17 लाख दिए जलते हुए दौड़ने का रिकॉर्ड है और देखते हैं तोड़ पाएंगे या नहीं तोड़ पाएंगे। तो हम राम की पैड़ी के पास आ गए, हम देख सकते हैं तेल कितने बड़े बड़े डब्बे पड़े हैं यहाँ पे और धीरे धीरे करके सारे के सारे दियों में तेल डाला जाएगा। वहाँ सामने भी कितने वॉलंटियर काम कर रहे हैं और वो आगे तक इस तरफ भी कितने ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे दिए जलाने के लिए। तो हमारे साथ एक वॉलंटियर हैं, ऐसे यहाँ पे कई वॉलंटियर आपको दिख जाएंगे। 6:40 की जो 6:40 यहाँ पे आरती करेंगे, वहाँ पे क्या नाम है सरजू घाट पे, उसके बाद दिए जलने का जो भी है अपना। क्या लगता है रिकॉर्ड तोड़ देंगे आप? हर बार टूटता है, हर बार जितना बनता है वो खुद ही बनता है, उसके बाद अगली बार टूटता है। लगभग पिछले 6 साल से यही चलता आ रहा है। तो इस बार भी नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने वाला है? बिल्कुल बनेगा, हर बार बनता है, जितनी बार उन्होंने बनाया फिर 5 लगातार 6 सालों से यही होता जा रहा है, इस बार भी होगा। और बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जिनपे और सारे वॉलंटियर्स हैं हजारों में। ये देख सकते हैं कई एक चीजें हैं जिनका इस्तेमाल करके जल्दी से जल्दी दिए जलाए जाएंगे। आप पीछे देख सकते हैं सारे के सारे दियों में तेल डालने का काम शुरू कर दिया गया और अभी एक ही बज रहे हैं और सारे के सारे दियों में पहले तेल भर दिया जाएगा। काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पे आए हैं, देख सकते हैं यहाँ पे खड़े होकर देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे दिए जलाए जाएंगे। कितने ज़्यादा वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं, इस तरफ भी देखिए कितने हैं, इस तरफ भी कितने हैं। और ये देखिए स्टार्टिंग में लिखा है जय श्री राम और ये धनुष बनाया हुआ है यहाँ पे स्टार्टिंग में। हर एक वॉलंटियर को उसका एक स्क्वेयर सा दिया गया, उस स्क्वेयर के अंदर उसको पहले तेल वगैरह डालना, फिर रुई डालेंगे, फिर चलाएंगे उसको, जैसे ही इंस्ट्रक्शन आएगा जलाने का दिए ही दिए चारों तरफ दिए ही दिए। क्या लगता है टूट जाएगा वर्ल्ड रिकॉर्ड टूट जाएगा? बिल्कुल टूटेगा। तो ये जो आप देख सकते हैं कैंडल को किस तरह से लगाया गया जल्दी जलाने के लिए, और ये तेल है, अच्छा ये तेल है और ये रुई है, ठीक है। अच्छा करीबन कितने वॉलंटियर इस बार लगे हैं? शायद कोई बता रहा था 21,000 के आसपास। 21,000 तो 21,000 से 25,000 के बीच में, क्या सामने भी सुना है किसी से कि इन्होंने 16x16 का इन्होंने यहाँ पे इस तरीके से ये बना रखा है और बाद में इनके अधिकारी आएंगे वो काउंट करेंगे और काउंटिंग होने के बाद ही ये चलेगा और गिनीस वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये जो कायम होगा दर्ज। शाम समय जब दिया जलेगा तो पूरा विश्व देखेगा अयोध्या को। जी। ये ऐसा जगह हो चुका है कि देश नहीं विदेश नहीं पूरा विश्व देखेगा और एकदम पूरा जगमगाता हुआ अयोध्या नजर आएगा और लगभग सभी मंदिरों में कनक भवन हनुमानगढ़ी जैसे तीर्थ प्रसिद्ध स्थान है वहाँ भी दीपक की जबरदस्त तैयारी चल रही है राम की पैड़ी के साथ साथ।
तो ये सारा आप देख सकते हैं, सारी के सारे राम के पेड़ है और ये सारी सरयू नदी है और ये सारे के सारे दिए यहाँ पे लगाए हुए हैं और आधे घंटे तक के सारे दिए जलेंगे। इस तरफ भी आप देख सकते हैं कई दिए हैं और इस तरफ भी आप कई दिए देख सकते हैं। तो दिए जलाने का आदेश दे दिया गया है और अब सबके एक कैंडल्स को जला दिया जाएगा और धीरे धीरे करके सारे के सारे आम की पेड़ी पे आपको जगमगाते हुए दिखेंगे कुछ ही देर में। काफी ज्यादा लोग हैं, देखो काफी ज्यादा लोग। आराम से करने वाला काम है क्योंकि काफी ज्यादा दिए भी जलाने हैं और है कि ना चलने की जगह काफी कम है, इसलिए थोड़ा ध्यान भी रखना है कि कहीं कुछ जल जुल ना जाए। काफी लोग खड़े हैं पीछे भी देखने के लिए, अद्भुत नजारे को देखने के लिए काफी लोग पीछे खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं चारों तरफ अंधेरा भी बढ़ता जा रहा है और दियों की जगमग भी बढ़ती ही जा रही है। हम लोग भी यही हैं और हमारा पूरा त्योहार भी हम ही लोगों का है। बहुत अच्छा लग रहा है कि अपने ही वर्क में हम लोग एक बहुत ही अच्छा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं जिसमें किसी दूसरे देश की भागीदारी नहीं। बहुत ही खूब काम है, बिल्कुल सही बात है ना सर। एक बहुत प्राउड वाला मोमेंट है सर कि यहाँ जो वर्क हो रहा है सब हमारे देश की ही एक्टिविटी है, किसी बाहर से कहीं कुछ नहीं आया, सब हमारे देश का बना हुआ, हमारे स्वदेशी है सर। ये देखिए शानदार नजारा। ये देखिए कितने ज्यादा दिए हैं यहाँ पे, जगमगाते हुए दिए यहाँ पे, इतना शानदार नजारा है। तो आप पीछे देख सकते हैं कितना कमाल का नजारा है, इधर से लेके उधर तक पेड़ी, इतना शानदार नजारा है और ये सब की टीम वर्क से ही सारा का सारा ये जो नजारा है इस टीम वर्क से ही बना है। उधर सारे की पेड़ी बहुत ही शानदार नजारा है। जी कैसे लग रहा है आपको? बहुत जबरदस्त माहौल लग रहा है। अभी राम की पेड़ी पर दोनों साइड में दिए जगमगा रहे हैं और इस माहौल को जो है और भी ज़्यादा बेहतर बना रहे हैं। लोग बाग दूर दूर से आ रहे हैं यहाँ पर, काफ़ी जबरदस्त एक्सपीरियंस महसूस हो रहा है। हम भी इस रिकॉर्ड का हिस्सा हैं, सबसे अच्छी वो खेलेंगे। तो लगभग अब सारे ही दिए जल गए हैं और इनको कह दिया गया है कि वॉलंटियर्स को कि अब हट जाइए, अब बस काउंटिंग का टाइम हो गया। गाइस अब हम आ गए हैं यहाँ पे राम की पैड़ी अयोध्या में और थोड़ी ही देर में यहाँ पे लाइट एंड साउंड शो शुरू होने वाला है। जय श्री राम। तुलसीपति रामचंद्र की जय। भारत माता की जय। और ये लेजर शो चालू हो गया। इतनी अलग अलग टाइप की लाइट्स हैं यहाँ पे। सारा का सारा ब्रिज है और यहाँ पे फायरवर्क्स होंगे इस वाले ब्रिज पे। और ये देखिए यहाँ पे नाम वगैरह हैं, यहाँ पे सजावट के रखी हुई हैं, NDRF की टीमें यहाँ पे तैनात हैं। और देखिए सारा का सारा ये तट कितनी शानदार तरीके से सजाया गया। ये पीछे पटाखे देख सकते हैं, कितने शानदार पटाखे।
कोई नीचे जा रहा है, कोई ऊपर जा रहा है। क्या जबरदस्त नजारा लग रहा है, बहुत ज्यादा जबरदस्त नजारा। वाओ, बहुत शानदार जबरदस्त। तारे नहीं आ गए थे, शानदार। देख सकते हैं कितने ज्यादा लोग आए हैं यहाँ पे आज, और ये पूरा का पूरा रास्ता सामने जाता है, ये सारा का सारा रास्ता जाता है राम की पैड़ी की तरफ। देख कितनी शानदार यहाँ पे सारी की सारी डेकोरेशन करी गई है। तो चलिए राम की पैड़ी की तरफ चलते हैं। आप ये पढ़ सकते हैं, श्री राम हार दीपोत्सव अयोध्या मेला 2022 18 अक्टूबर से लेकर 28 अक्टूबर 2022 तक है ये, और इसकी लोकेशन है लता मंगेशकर पार्क नया घाट श्री अयोध्या धाम। तो इस मेले में आपको कई झूले दिख जाएंगे, टोरा टोरा राइड है, सलाम्बो राइड है, और ये छोटे बच्चों का मिक्की माउस बलून जंप भी है, ये ड्रैगन वाली राइड भी है सामने, और ये बड़ा वाला जैंट व्हील भी है यहाँ पे, ड्रैगन स्विंग भी है, ये बच्चों का प्लेन राइड भी है यहाँ पे, पीछे ब्रेक डांस का राइड भी है, ये कोने पीछे ब्रेक डांस राइड, और कई सामान भी है जो आप यहाँ खरीद सकते हैं। और इस मेले के इस तरफ आपको यहाँ पे शो वगैरह दिख जाएगा। यहाँ पे ये है ड्रैगन स्विंग वाला झूला, और ये पीछे है जैंट व्हील वाला झूला। शानदार ये गेट बनाया हुआ है, और ये बीचों बीच राम जी यहाँ पे, बहुत ही शानदार विशाल गेट बनाया हुआ है ये, इसके ऊपर जाके ये सारा का सारा ब्रिज है।